पैसा बकाया है और हमें नहीं पता था। ये लेटर देखिए 6 अप्रैल 2017 का लिखा है। किसको लिखा गया है? मुख्यमंत्री को लिखा गया है, स्वास्थ्य मंत्री को लिखा गया है। किसने लिखा है? पुष्पा सेन ने लिखा है। क्या लिखा है? मेरा पैसा दो नहीं तो मैं आपसे बंद कर दूंगा। कब लिखा है? 6 अप्रैल। और कब घटना हुई है? 10 अगस्त को। 5 महीने तक पैसा नहीं दिया। ये ऐसे 14 लेटर मैं आपको दे सकता हूं। ये लेटर 9 अगस्त 2017 का लिखा गया है, 24 घंटे पहले जब ये घटना हुई थी। सरकार के जो 6 किरदार हैं, इसमें से आशुतोष टंडन जी, सिद्धार्थनाथ सिंह जी आज मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट में नहीं है। अभी डॉक्टर कफील खान को आपने सुना, ये बात कर रहे थे गोरखपुर BRD मेडिकल कॉलेज की। बीते कुछ साल पहले गोरखपुर BRD कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से कई बच्चों की जान चली गई थी। साल था अगस्त 2017 का, जब यह खबर आई कि BRD मेडिकल कॉलेज में कई बच्चों की जान चली गई तो पूरे प्रदेश में तहलका मच गया। नए नए मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ के लिए वो पहली चुनौती थी। उस समय CM योगी आदित्यनाथ ने कई लोगों पर कार्रवाई भी की थी, उसमें एक कार्रवाई BRD मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर कफील खान पर भी हुई थी, जिसके चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा। शनिवार को डॉक्टर कफील खान की किताब का सपा मुखिया अखिलेश यादव ने विमोचन किया। कफील खान ने इस किताब का नाम गोरखपुर अस्पताल त्रासदी रखा है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह किताब लोगों को यह भी बताएगी कि कैसे ये त्रासदी हुई। ये किताब ये भी बताएगी कि अगर सरकार ने समय रहते कदम उठाए होते तो इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की जान नहीं जाती। डॉक्टर कफील को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी पूरी जर्नी के बारे में लिखा है। अस्पताल में बच्चों को बचाने के लिए जो उस समय ट्रीटमेंट हो सकता था, जो पर्याप्त संसाधन से जान बचाई जा सकती थी, उसके लिए भागते रहे, उसके लिए काम करते रहे और बाद में उनको कितना दुख परेशानी का सामना करना पड़ा कि उन्हें जेल तक जाना पड़ा। ये किताब कहीं ना कहीं आंख खोलेगी लोगों की और कम से कम सरकार में बैठे लोगों को इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए।